ठीक है, थैंक यू। सो लुक, टुडे ऑल्सो वी हैव टू क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम 2013। इन 2013 सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर 5 मार्कर्स 100 वर्ड्स में लिखने थे। अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, प्लस यू विल गेट सम नॉलेज ऑल्सो। क्वेश्चन इज अबाउट चोला आर्किटेक्चर। द चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस। 100 वर्ड्स, CSE 2013। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज आँख बंद करके डायग्राम बनाना है। आँख बंद करके मत बनाना, मतलब आँखें खोल करके डायग्राम बनाना, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम दिया हुआ है, बट ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड इस तरह का डायग्राम आप इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बनाओगे। सो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन आप बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ दी इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ चोला आर्किटेक्चर यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं चोला आर्किटेक्चर के द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स में? सबसे पहले तो जो गर्भगृह होता है, दैट इज द सैंक्टम सैंक्टोरम वेयर द आइडल ऑफ द डेटी इज प्लेस्ड, उसको गर्भगृह बोला जाता है। दैट इज ऑलवेज इन अ स्क्वेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो फ्लोर प्लान उसका स्क्वेयर होता है और उसके ऊपर शिखर नहीं होता है, उसके ऊपर एक टावरिंग रूफ होती है विच इज नोन एज द विमान। इसमें कई सारी स्टोरीज होती हैं, ऑलवेज इन ऑड नंबर्स। तो 11 होंगी, 13 होंगी, 15 होंगी, 17 होंगी, अप टू 33 और इवन मोर देन दैट, ठीक है। तो दैट इज द विमान। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये फिगर, दिस इज द गर्भगृह एंड विमान। इसके नीचे ही मेन आइडल ऑफ द डेटी रखा जाता है। ठीक है, इसके नीचे डेटी का मेन आइडल रखा जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट ऑन फोर इन द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस देयर आर गोइंग टू बी फोर मॉन्यूमेंटल गेटवेज नोन एज द गोपुरम्स। अब ये भी विमान की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें कोई आइडल नहीं प्लेस किया जाता है, इट इज़ अ मॉन्यूमेंटल गेटवे। डिफरेंस क्या है इसके शेप और विमान के शेप में, कि इसका जो फ्लोर प्लान है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेक्टेंगुलर, ठीक है। अच्छा, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू द चोला पीरियड ऑलवेज हैव एन इनक्लोजर वॉल अराउंड देम। तो इनके अराउंड एक दीवार हमेशा बनी होती है, ठीक है। बाकी किसी टेम्पल्स में इस तरह की दीवारें नहीं मिलती हैं। अडजेसेंट जस्ट टू दैट एनक्लोजर वॉल इज गोइंग टू बी अ कवर्ड सर्कमएम्बुलेटरी पैसेज। सो दिस इज द कवर्ड पैसेज, ओके। अच्छा, गोपुरम से जैसे ही आप एंटर करोगे इन टू द प्रेमिसेस ऑफ द टेम्पल, द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू एनकाउंटर इज द नंदी मंडप। तो नंदी इज द मिथिकल व्हीकल ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये चोला पीरियड के जितने भी टेम्पल्स थे, ऑल ऑफ देम वर शिवा टेम्पल्स, एंड यहाँ पर हमेशा एक नंदी का स्टैचू मिलता है विच इज ऑलवेज मोनोलिथिक, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बिल्डिंग शुरू होती है, इट इज एन इंटीग्रेटेड बिल्डिंग नोन एज द मंडपा अंतराल एंड विमान। सो मंडपा अंतराल एंड विमान इज एन इंटीग्रेटेड बिल्डिंग। तो यहाँ पे अंतराल इज अ वेस्टिब्यूल, इट इज अ कवर्ड पैसेज कनेक्टिंग द एंट्रेंस अप टू द गर्भगृह, एंड टू द राइट हैंड, सॉरी टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अंतराल इज ऑलवेज अ मंडपा। मंडपा इज अ डिवोशनल, इज अ गैदरिंग हॉल फॉर डिवोशनल एक्टिविटीज, मे बी अ डिवोशनल गैदरिंग, सम चैंटिंग, सम सिंगिंग, डांसिंग एट्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, चोला स्टाइल टेम्पल्स में हमेशा वाटर का प्रेजेंस रहेगा, सो देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वाटर टैंक। तो जो भी आप डायग्राम बनाएं, जरूरी नहीं है कि यही डायग्राम एग्जैक्टली बनाएं, बट हमेशा एक वाटर टैंक उसमें जरूर दिखाना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द मेन श्राइन देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी सम सब्सिडरी श्राइन्स सच एज दीज वंस। तो यहाँ पे सब्सिडरी गॉड्स एंड गॉडेसेस, मे बी कॉन्सॉर्ट्स एंड क्वींस ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ, उनकी भी श्राइन्स प्रेजेंट होंगी, उनके भी आइडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ
ये तो हो गया एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द चोला स्टाइल ऑफ द्रविडियन टेम्पल्स। अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में सो दैट यू कैन राइट अ बेटर आंसर, राइट? सो चोला टेम्पल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स द मैच्योर फेज ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। इसका मतलब शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है, बट ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर हैव मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स इन द टेम्पल्स ऑफ द चोलास, ठीक है? सो इट वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेडिशन विच वॉज स्टार्टेड बाई द पल्लवास, कंटिन्यूड बाई द राष्ट्रकूटाज एंड द चालुक्यास। तो पल्लवास, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास एंड चोलास इन द अर्ली मेडिवल इन द एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल पीरियड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो सारे के सारे एक ही ट्रेडिशन के फॉलोअर्स हैं, द सेम ट्रेडिशन ऑफ द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स। हाउएवर चोला टेम्पल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स रिमार्केबल इनोवेशन एंड इनिशिएटिव टेकन बाय द स्टेट और द किंग, ठीक है? अच्छा, इट वॉज पेट्रनाइज बाई पावरफुल एम्परर्स सच एज राजराज चोला द फर्स्ट, राजेंद्र चोला एटसेट्रा एंड अदर चोला रूलर्स फ्रॉम द 9th टू द 12th सेंचुरीज सीई। तो 9th से 12th सेंचुरी सीई तक तमिलनाडु के रीजन में कई सारे टेम्पल्स बनाए गए बाई द पावरफुल चोला एम्परर्स सच एज राजराज द फर्स्ट एंड राजेंद्र चोला। अच्छा, इन ऑर्डर टू कंप्लीटली अप्रिशिएट द marvel of chola temples you have to first understand why they were important for the tamil society। ab aap throughout history if you want to ascertain ki in a certain period of history which activity was important for the people you simply have to look at the best architecture that they created। for example present day agar aap देखना जानना चाहते हैं कि what is most important you will probably find a number of examples of public infrastructure, maybe airports, railways, roads, etc., stadiums, shopping malls even, right? So all of these things are what we consider important in our day and age। chola period mein the state invested most of its resources for the creation of monumental temples, right? And why did they do this? यहाँ पे ये आपको पता लगेगा। तो importance of the temples during Chola period क्या था? The temples acted not only as regulators and caretakers of religion, they were also pilgrimage centers. Education was also in the hands of the temples. Further, a lot of cultural activities used to take place in the temple premises, such as festivals. And in these festivals, a number of dances were conducted. So several dance forms emerged from temples. Music hota tha. A number of literary traditions were also patronized by temples. Dramas, plays, etc. ये सारी चीजें भी temples में होती थीं. अच्छा. Apart from this, temples also had a major political role. How? The temples were monuments of power and prestige of the king. So these were monuments of imperial power and prestige. So whichever king is more powerful, he is going to build an even grander temple. So ek tarah ka competition hota tha among the different kings and dynasties to build more and more grand temples with more and more embellishments, ornamentations, and a lot of resources were invested. Further, एक और मेजर पॉलिटिकल रोल होता था टेम्पल्स का, दैट दे लेंट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी टू द रूल ऑफ द किंग। सो देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज और अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पॉलिटिकल पावर एंड द टेम्पल्स, दैट टेम्पल्स आर गोइंग टू बी पेट्रनाइज्ड बाय द किंग एंड इन रिटर्न इन द आईज ऑफ द पीपल द टेम्पल इज गोइंग टू ब्लेस द रूल ऑफ द किंग। तो दोनों का इसमें फायदा होता था। एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट the temples used to receive huge land grants from the kings, jiski wajah se they became huge a lot of concentration of wealth took place within these temples, and because of this concentration of wealth the temples during the chola period functioned as financial institutions, as banks, as lenders, etc. So they lent not only to merchants and traders but also to states and kings. Acha, the importance of temples can also be gauged from the fact that after the state itself
टेम्पल्स वर दी सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स. जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इफ़ यू हैव टू लर्न अबाउट वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर सर्टन पीपल इन अ सर्टन टाइम, यू सिंपली हैव टू लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे हैव क्रिएटेड, एंड उसमें जो जो भी ग्रैंडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा दैट इज वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट टाइम एंड एज. एंड बिकॉज टेम्पल्स प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द चोला पीरियड, देयर टेम्पल्स आर इक्वली ग्रैंड क्वाइट नेचुरली. अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, आपको आंसर में क्या लिखना है वो यहाँ से शुरू हो रहा है. स्पेशल फीचर्स ऑफ चोला आर्किटेक्चर, राइट? तो दीज आर गोइंग टू बी द सेम फीचर्स विच वी हैव सीन इन द सिंप्लीफाइड डायग्राम ओवर हियर. तो ह्यूज पिरामिडल विमान्स वर द मल्टी स्टोरीड हॉलो टावरिंग रूफ over the garbhagriha which was the main shrine. So this was a unique feature of chola temples. Iske pehle jo vimans bante the these were not as developed as chola temples. Acha, massive gopurams were the monumental gateways in four cardinal directions around the temple. Acha, a massive monolithic nandi bull statue near the entrance. Antral which was the vestibule which connected the entrance to the garbhagriha. So all of these are unique features of chola temples which emerged in a completely developed form during the chola period. Acha, then there was a huge 1000-pillared mandapa. Ye mandap ka purpose kya hota tha? It was a gathering hall for devotional purposes. Yahan pe song, dance, chanting, etc. ye sari cheeze hoti thi. Then subsidiary shrines were also present around the main shrine. A water tank was always present within Chola temples, and another unique feature of Chola temples was that it was encircled by an enclosure wall jiske adjacent ek covered passage hota tha, right? Acha, Cholas exclusively used stone. Iske pehle at times bricks bhi use kiye jate the Dravidian style temples banane ke liye, right? This use of stone lent a greater aesthetic capability to the carvers. Why? Because the use of stone instead of bricks improved the aesthetics, because stone could be ornamented with carvings and sculpture. To iske upar nakashi kari ja sakti thi, carvings ya sculptures banaye ja sakte the. Sculptures kis cheez ke banaye gaye? Dwarpal, that is gatekeepers on the entrance of the mandapa. Idols of kings and queens were placed within the temples or maybe drawn on the walls or viman or gopurams. Shivganas, who were perpetual devotees of Lord Shiva, unke bhi sculptures temple ki walls par ya fir gopurams par etc. banaye gaye. A specific pattern that is yadi, yazhi, it is pronounced as yadi. This recurring pattern of sculpted mythical animals was also a unique feature of Chola temples. So mythical animals such as हाफ हॉर्स हाफ ईगल, तो इस तरह के मिथिकल एनिमल्स भी टेम्पल की वॉल्स पे स्कल्प्ट किए जाने लगे. एंड अ यूनिक फीचर ऑफ चोला टेम्पल्स वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रॉन्ज नटराज, राइट? तो ब्रॉन्ज नटराज फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज इंट्रोड्यूस इन चोला टेम्पल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, डिटेल्ड पेंटिंग्स और फ्रेस्कोज of birds, dancing figures, etc. from the from stories from the Purans, etc. were painted on the walls. Acha, some of the temples were built in order to commemorate a certain special occasion, maybe a victory in a battle. For example, the Gangaikonda Cholapuram temple which Rajendra Chola built after he defeated some kings on the banks of the Ganges, right? So Gangaikonda ka matlab hota hai the conqueror of the Ganges, and Gangaikonda Chola means the Chola who conquered the Ganges, right? So ye to special features ho gaye Chola temples ke. Iske baad aap ek chota sa conclusion likh sakte hain that the Chola studied the Tamil landscape with marvelous monumental temples, among them the great living Chola temples. That is the Brihadeshwara temple at Tanjore, Airavateshwar temple at Dharasuram, and Gangaikonda Cholapuram temple at Gangaikonda Cholapuram stand out because of their scale, execution and heritage.
इनको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्केल, दैट इज वाई दे आर ग्रेट, एंड बिकॉज ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, दैट मीन्स दे वर एग्जीक्यूटेड वेरी माइन्यूटली एंड एक्सपर्टली. फर्दर इनको लिविंग चोला टेम्पल इसलिए बोला जाता है बिकॉज राइट फ्रॉम द पीरियड दैट दे वर बिल्ट अप टू नाउ डिवोटीज रेगुलरली विजिट दीज टेम्पल्स एंड प्रे ओवर देयर, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द हेरिटेज ऑफ तमिलनाडु. एंड यूनेस्को ने इन तीन टेम्पल्स को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह भी इंस्क्राइब किया है, राइट? सो दीज आर द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स. तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है. सबसे पहले आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है, फ्लोर प्लान ऑफ द एंटायर टेम्पल, एंड उसके बाद एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि ये टेम्पल्स कहाँ बनाए गए, कब बनाए गए, किसने बनाए गए और किस ट्रेडिशन में बनाए गए, ठीक है? दैट इज गोइंग टू बी योर इंट्रोडक्शन, एंड देन यू विल सिंपली कम टू द स्पेशल फीचर्स और यूनिक फीचर्स ऑफ दीज चोला टेम्पल्स, एंड फाइनली एक छोटा सा कंक्लूजन, राइट? अच्छा, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, असेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट? तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फ्रेमवर्क बनाएंगे. सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे दैट व्हाई इंडिया हैज अट्रैक्टेड सो मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स एंड हाउ देयर अकाउंट्स हैव हेल्प्ड इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज पास्ट. आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू गिव इन द मेन बॉडी सम एग्जाम्पल्स, तो कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम, चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स के नाम और उनके अकाउंट्स के बारे में थोड़े थोड़े details, and in the conclusion part you are going to add value to this statement. You have to assess the importance of the accounts. So aapko ye batana hoga ki if these accounts are actually very important and or do they have some shortcomings as well, right? So aapke liye maine yahan pe answer prepare kiya hua hai. We can go over this. So over the ages India's cultural magnetism, economic weight and political importance has attracted foreign travelers in huge numbers from different parts of the world. To pehli line mein hi aapko ye aapne ye bata diya ki what has attracted foreign travelers to India over the ages. Their richly embellished accounts play an important role in recreating ancient and medieval Indian history. Aapne ye bhi bata diya ki kis period of Indian past ko recreate karne mein inke accounts helpful hote hain. Acha, कैसे हेल्पफुल होंगे? अब ये देखिए, दे नॉट ओनली फिल द गैप्स इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है? तो इंडियन हिस्ट्री राइटिंग में अगर कोई गैप्स रह गए हैं, मे बी सम पीरियड दैट हैजंट बीन कवर्ड, इट मे बी कवर्ड बाय अ फॉरेन ट्रैवलर, बट दे ऑल्सो ऑफर अ रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, राइट? तो हर सोसाइटी के लिटरेरी ट्रेडिशंस के कुछ मोड्स होते हैं. देर इज सम स्टाइल ऑफ राइटिंग, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट कंसिडर करी जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं कंसिडर करी जाती हैं. एंड अगर इंडियन स्टाइल को देखिए तो दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग. दैट इज़ व्हाई फॉरेन अकाउंट्स प्रेजेंट अ रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमन लाइफ, इकोनॉमी, लर्निंग दैट इज एजुकेशन और नॉलेज, रिलीजन, सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, जेंडर एंड कास्ट रिलेशंस, अटायर, क्विजिंग एटसेट्रा. सो ऑलमोस्ट All aspects of human life. इसके बाद आप कुछ Chinese और Arab travelers के examples देंगे. तो वैसे तो कई सारे Chinese और Arab travelers इंडिया में आए, लेकिन यहाँ पे हमने केवल prominent travelers के ही नाम mention किए हैं, right? Such as Fahin. Fahin visited India in the beginning of the 5th century, right? So from 399 to 412 he visited India during the reign of the Gupta king Chandragupta the second. He never met any king in person in India, but he has written in detail about Gupta administration and the beauty of the city of Pataliputra. He has also given an account of the flourishing state of the Indian economy, and he says that the rate of taxation was very low. ठीक है, he praises India's colorful culture, the condition of law and order, and the Indian sense of hygiene. But he was very shocked to see one practice. What was that? The practice of untouchability. Because China में इस तरह की कोई practice होती नहीं थी, right? तो for 5th century India,
द चाइनीज अकाउंट बाय फाहिन, इसकी किताब का नाम था फू क्योकी, राइट? तो यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो, फू क्योकी. इट गिव्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया ड्यूरिंग द 5th century अंडर चंद्रगुप्ता द सेकेंड. The next important Chinese traveler to come to India was Huvensang, who visited India during the 7th century during the reign of Harshvardhan. Iski kitab ka naam hai Siyuki, and he came to India only for the purpose of writing about Buddhism and visiting important Buddhist pilgrimage sites and university towns such as Nalanda, etc. Right? In his book Siyuki, he writes about the flourishing status of Buddhism. So he has given some details about the flourishing status of Buddhism. He said that Buddhism was patronized by the king and it was in quite a good condition. He has also described several Buddhist pilgrimage sites and universities, especially Nalanda. In fact, he stayed at Nalanda for almost 11 years. First 2 years as a student and then 9.5 years as a teacher, right? Achha, he also gave an account of the Indian education system. He was heavily patronized by Harshvardhan, to isliye Harshvardhan ko isne kafi praise kiya hai. He praised Harsha's piety, charity and administration. Apart from Harshvardhan, he also met some other Indian rulers such as the Chalukyan king Pulkesin the second and the Pallava king Narasimha Varman the first. इसके अलावा ही ऑल्सो मेट द किंग ऑफ असम. असम इन दोज डेज वॉज नोन एज कामरूप, राइट? तो कामरूप के किंग भास्कर वर्मन से भी इसकी मुलाकात हुई थी एंड देवर ऑन क्वाइट गुड टर्म्स विद ईच अदर. ये इस आंसर में मेंशन नहीं किया है बट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. ओके. अच्छा, ही mentions दैट ही was robbed while traveling. तो इसका अकाउंट जो है यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है. ऑन दी वन हैंड ही सेज दैट द लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन अंडर हर्षवर्धन वॉज वेरी गुड एंड देर वॉज नो ब्रिगेंडरी नो रॉबरी, बट ही हिमसेल्फ इन हिज अकाउंट सेज दैट वाइल ट्रैवलिंग इन इंडिया ही वॉज रॉब्ड 4 different times. तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज वॉट हिस्टोरियंस मस्ट बी careful about. So this shows that the law and order situation had deteriorated. Then next is Al-Suleiman. Al-Suleiman naam se samajh mein aa raha hai. He is an Arab traveler. So he was an Arab merchant who visited India during the 9th century and he has written about Bengal. Bengal mein us samay rule kaun kar raha tha? The Palas. And he has mentioned the account, the state of India's flourishing overseas trade, right? Achha, probably the most important foreign traveler of all times was Al-Biruni. He visited India with Mahmud of Ghazni during the 11th century. Inki kitab ka naam hai Tahqeeq-e-Hind, also known as the Kitab-ul-Hind. What is it? It is an inquiry into India, the Indian religion, society, knowledge and culture. The word Tahqeeq comes from the word Tahqeeqat. And that means inquiry, right? So for learning about Indian customs and the Indian way of life, for 2 years he stayed at Banaras and learnt Sanskrit over there. He also conversed with a number of learned men at Banaras. And that is how he cemented his ideas about India. What does he say about 11th century India? He regards 11th century India to be an advanced society and a vibrant society. But at the same time, he says that India has stopped progressing. It has become stagnant. It has become decadent. Why? Due to the insularity and inward-looking attitude of India's learned men and women. So therefore, he said that India is on a downward trajectory. It is not on an upward trajectory. Further, he deeply criticized untouchability and the poor condition of trade. So he has said that India is a primarily agricultural country. He does not praise India's trade and commerce. Achha. Lastly, you can talk about Ibn Battuta, who visited India during the 14th century during the reign of
मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ से आया था ये? मोरक्को से आया था। इसने किताब लिखी, किताब का नाम है रिहाला। ही वॉज पेट्रनाइज बाई मोहम्मद बिन तुगलक एंड तुगलक इन फैक्ट अपॉइंटेड हिम एज द चीफ काजी, दैट इज द चीफ जस्टिस एट दिल्ली। ही ट्रेवल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री एंड हैज गिवन डिटेल्स अबाउट तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन एंड ट्रेड। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स लाइफ इन साउथ इंडिया अंडर द पल्लवास, राइट। अच्छा, फाइनली when you have to say that how important are these accounts for reconstruction of India's history, you have to be a little careful. You cannot completely agree with the statement. So you have to say that while foreigners' accounts are invaluable for recreating history, they may have certain shortcomings. Kya shortcomings ho sakti hain? Such as faulty perspective of the author. That means he is a foreign observer. He may not be well versed with Indian customs, and if he sees certain practices, he may misinterpret them, right? Secondly, intended audience is foreign. So for example, if Al-Biruni is writing, he is writing for an Arabic audience, and several of the things that he writes may be lost in translation, because not every Arabic reader is going to be well versed with the Indian conditions. So that is another shortcoming. Achha, then you have seen that some of these authors were also patronized by the king, such as Huyen Sang or Ibn Battuta. So there may be some bias. So these authors might try to hide some of their shortcomings and amplify some of their achievements, so to speak. So this kind of bias may also seep into the writings of these foreign travelers. Therefore, historian ka kya kaam hai? Historian ko इनसे सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, बट ही हैज़ टू डू इट इन अ क्रिटिकल मैनर। दैट मीन्स ही डज नॉट हैव टू बिलीव वॉट एवर इज रिटन ऑन दिट्स फेस वैल्यू, एंड वेयर एवर पॉसिबल द हिस्टोरियन मस्ट वेरीफाई दीज सोर्सेज विद अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू शुड कंक्लूड सच आंसर्स, राइट? अच्छा, सो दैट इज इट, एंड आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इसमें।